नमस्कार दोस्तों, अगर खाना घर से बाहर खाना है तो साउथ इंडियन फूड होता है सबकी पहली पसंद। अगर ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड मिल जाए तो कहने ही क्या। आज की हमारी ये वीडियो एक इतनी ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिश के लिए है जो शायद दिल्ली में मिलना बहुत मुश्किल है। डिश का नाम है पौड़ी थट्टे इडली। हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट पार्क जनकपुरी में, जहाँ पे सऊदी कैफे सर्व कर रहा है ऑथेंटिक थट्टे इडली। आइए दिखाते हैं क्या है खास। ये है सऊदी कैफे का बहुत ही एक्सटेंसिव मेन्यू और ये रहे भैया। जी नमस्कार। नमस्ते भैया, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत है, मैं साउथ जनकपुरी आउटलेट का इंचार्ज हूँ। ओके, तो आप सऊदी जनकपुरी आउटलेट को मैनेज कर रहे हैं? हाँ जी सर। भैया, मैंने सुना है आप खिला रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड, जिसमें एक आपकी बहुत यूनिक डिश का मैंने नाम सुना है जो है पौड़ी थट्टे इडली। भैया, क्या खास है उस इडली में? ये प्योर ऑथेंटिक साउथ इंडियन है और इडली बहुत काफ़ी बड़ी है और सॉफ्ट है, उसमें घी और पूड़ी मसाला रहता है, बहुत फेमस है और बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत यूनिक। और भैया, मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे आपने एक फिल्टर कॉफ़ी मशीन भी लगाई हुई है। हाँ जी सर। सो क्या ही आप साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं? ये प्योर साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी, जिसमें हम लोग एक में पानी डालते हैं और वाटर, और इसमें पाउडर डालते हैं और उसके बाद ऊपर धीरे धीरे इसमें स्टीम बन के आता है और इसमें हमारा डिकॉक्शन रेडी हो जाता है सिर्फ फिल्टर। उसके बाद दूध हम मिल्क बॉयल करके और फिल्टर अपने हिसाब से लेके बना के देते हैं। तो डिकॉक्शन से ही आप फिल्टर कॉफ़ी बनाएंगे? हाँ जी सर। वाह, बहुत ये अलग है, डिफरेंट है पूरा। नेचुरल कॉफ़ी है, कॉफ़ी से बहुत अलग है, जिसमें हम लोग फिल्टर है इसमें पाउडर डालते हैं और नीचे हमारा फिल्टर आता है। भाई बहुत ही बढ़िया। भैया, इडली खाने के बाद हम फिल्टर कॉफ़ी भी ज़रूर पियेंगे। हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा है फिल्टर कॉफ़ी, बहुत फेमस है हमारा फिल्टर कॉफ़ी, प्योर साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी मिलेगा और बहुत टेस्टी है जी। तो भाई, प्रशांत भैया ने हमें दी अपनी किचन एक्सेस, थैंक यू प्रशांत भैया। थैंक यू सर। अब दिखाइए थट्टे इडली क्या है। भाई ये खोला स्टीमर, ये भाप निकलते हुए, बहुत ज़्यादा गर्म है। वाओ भाई, ये है थट्टे इडली जो ऑलमोस्ट आपकी इडली का 3 times ऑफ द साइज है, एक रोटी के जितनी बड़ी है ये। प्रशांत भैया रेडी है? हाँ सर रेडी है। और इसको सर्व कैसे करते हैं? ये सर हमारा जो प्लेट है थोड़ा अलग से है, ये सुपारी का प्लेट है। सुपारी की प्लेट है? हाँ जी, इसमें पर हम लोग बनाना लीफ डालते हैं। इस सुपारी की ये प्लेट ली है, ऊपर से रियल बनाना लीफ डाला है भैया ने। ये इडली हमारा है एंड ये बड़े प्यार से बड़े संभाल के बिल्कुल हॉट इडली, ये इडली भैया निकाल रहे हैं स्टीमर की इस ट्रे से। भाई साइज बहुत बड़ा और इडली बहुत गर्म है। वाह, ये आ गई इडली। अब इसके ऊपर क्या जाएगा भैया? इसमें हमारा बेंगलोर का घी आता है, नंदिनी घी। बेंगलोर का नंदिनी घी, देसी घी है ये? हाँ जी सर। भाई देसी घी से इडली को पूरा भैया ने ढक दिया। ये पूड़ी पाउडर है, पौड़ी पाउडर इसके ऊपर जा रहा है। भैया मैंने इस तरह की इडली दिल्ली में पहले कभी नहीं खाई। ये पाउडर भी कोई स्पेशल होता है? हाँ जी, ये सर हमारा स्पेशल रहता है और इसको पौड़ी पाउडर ही बोलते हैं। हाँ जी। वाओ भाई, इडली जैसा तो कुछ इसमें रह नहीं गया है, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। और ये अभी साथ में चटनी, अनियन टमाटो गार्लिक का हमारा, अनियन टमाटो गार्लिक चटनी। ये कोकोनट चटनी, बियर कोकोनट चटनी। ये हमारा रेडी हो गया चम्मच, ये रेडी हो गया। इसके साथ सांभर भी आएगा भैया? हाँ जी सर। ओके, तो ये हमारी थट्टे इडली विद सांभर रेडी है और भैया सर्व कर रहे हैं। सो हियर्स आवर इडली एंड दिस इज सांभर। ये आ गई हमारी थट्टे इडली, गार्लिक चटनी, कोकोनट चटनी और साथ में सांभर। भैया ने बताया ये जो डिस्पोजेबल्स हैं ये सुपारी के पत्ते में बने हैं और रियल बनाना लीफ पे सर्व किया है। लेकिन मेन जो हमारी डिश है वो है ये थट्टे इडली, जिसे घी में डुबोया गया है, ऊपर से ये पौड़ी मसाला डाला गया है। सो लेट्स हैव अ बाइट ऑफ दिस। ये रही इडली, और क्योंकि मैं ये पहली बार खा रहा हूँ तो मैं सांभर और चटनी कोई भी चीज़ नहीं लगा रहा हूँ, इसका एक प्लेन बाइट लेते हैं। सो हियर्स द बाइट। सुपर्ब भाई, ऐसी इडली मैंने कभी नहीं खाई। जो ये गन पाउडर डाला हुआ है, जो ये थट्टे मसाला है और जो घी डाला है ना, उसने इडली को
पूरा बदल के रख दिया है। इडली हलवे के जितनी सॉफ्ट हो गई है और गन पाउडर का ये मसाला जो पौड़ी मसाला डाला है, शायद इसमें बहुत सारे मसाले हैं लेकिन इसमें स्पाइसीनेस बिल्कुल नहीं है, इसमें चिलीनेस बिल्कुल नहीं है। सांभर के साथ एक बाइट लेते हैं। वाओ, सिंपली डिवाइन। ये इतनी बढ़िया इडली है ना, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको इडली पसंद है और आप सांभर इडली खाते रहते हैं, एक बार सऊदी कैफ़े जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट पार्क में आप आ जाइए और ये तट्टे पोड़ी इडली मेरे कहने से ट्राई कीजिए। आपका इडली के लिए ना नज़रिया ही बदल जाएगा। ये इतनी यूनिक है, ये इतनी टेस्टी है। हम इसे फिनिश करते हैं और एक बार फिर मिलते हैं प्रशांत भैया से और ट्राई करेंगे उनकी फ़िल्टर कॉफ़ी। भाई तट्टे इडली हमने खा ली, ज़बरदस्त स्वाद था। अब हमने ली है इनकी ऑथेंटिक फ़िल्टर कॉफ़ी। सर्व करने का स्टाइल देखिए, बर्तन भी बिल्कुल साउथ इंडियन है। सो लेट्स हैव कॉफ़ी। थोड़ा सा स्टर किया एंड हियर्स द सिप। सुपर्ब, दिस फिल्टर कॉफ़ी इज सुपर्ब। भाई सऊदी कैफ़े पे मेरे फूड एक्सपीरियंस के बाद मेरा यही फीडबैक है कि अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड खाना है, जनकपुरी एरिया में आप हैं तो डिस्ट्रिक्ट पार्क जनकपुरी में आ जाइए। मेरी रिकमेंडेशन है आप पौड़ी थट्टे इडली और एक फिल्टर कॉफ़ी लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर द लवली फूड। बाय बाय।